प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। राजधानी पटना के NH 30 पे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया है। यह घटना रविवार की शाम की है। स्थानीय लोगों से जो सूचना अभी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के NH 30 पर कैदी वाहन से स्कूटी सवार को धक्का लगने से स्कूटी पर सवार दो में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कैदी वाहन को आग के हवाले कर दिया है और आसपास से गुजरने वाले वाहनों को क्षति भी पहुंचाया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पटना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए हवाई फायरिंग की भी सूचना आ रही है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। पुलिस मामले पर अपनी नजर रखी हुई है। दादी घर दानापुर गया हुआ था कार देने के साथ ही थमोसेरा भाई का, उसका कार्ड देकर वहाँ से लौट रहा था लेकिन ये रॉन्ग साइड से जब महिंद्रा शोरूम के पास जैसे ही पहुँचा उधर से रॉन्ग साइड से पुलिस वाला जो वाहन होती है वो आया एकदम अपना जैसे कि गुंडागर्दी की तरह एकदम मौसम में आ रहा था, ये अपना जा रहा था एकदम दोनों को एकदम कुचलते हुए और एथी कर उसके बाद पब्लिक लोग जुट गई, उसके बाद हंगामा हुआ, बच्चा तो वहाँ पर एथी हो गया था, उसके बाद हॉस्पिटल में ला कर भी लेकिन बच्चा नहीं रहा। रोहित कुमार नाम हुआ, शादी है 13 तारीख को, कार्ड देकर आ रही गुंडागर्दी अपने आप को एकदम इतना मौसम में गाड़ी आ रही थी कि वहाँ की पब्लिक देख के बोला कि सरकार प्रशासन एकदम अपना राज गुंडा राज चलाए हुए एकदम इतना मौसम में गाड़ी आ रही थी ना कि महिंद्रा शोरूम के पास जैसे ही गाड़ी पहुँची उस बच्चे को दोनों साइड से जा रहा था रॉन्ग साइड से एक बार एक दोनों एकदम सड़ी उसके चला रहा था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।